भाई हमारा 21 समझते हैं इसमें इन्होंने क्या कहा है, कह रहे हैं 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके कितने दिन में पूरा करेंगे। क्या पूछ रहे हैं हमसे, दिनों की संख्या पूछ रहे हैं, तो लास्ट में हम दिन लिखेंगे ठीक है। अब शुरू से पढ़ना चालू करो, क्या क्या दिया है इन्होंने, पुरुष दिए हैं तो पुरुष यहां लिख लिए हमने, 8 पुरुष 8 लिख लिया, फिर क्या बोला एक 9 घंटे, तो यहां घंटे लिख दिए और इसके नीचे हमने लिख दिया 9 ठीक। एक काम को कितने 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 दिन इधर, अगर काम दुगना हो जाएगा तब काम लिखना, अगर काम दुगना नहीं हुआ या 3 गुना नहीं हुआ तो काम छोड़ देना ठीक है। अब कह रहे हैं आगे को, ये 7 पुरुष प्रतिदिन, अब यहां 7 पुरुष हो गए प्रतिदिन कितने 10 घंटे, 10 घंटे कार्य करके कितने दिन में काम पूरा करेंगे क्वेश्चन मार्क, दिन में काम का दुगना हुआ नहीं है ना 3 गुना कुछ भी नहीं हुआ ना, तो काम नहीं लेना। अब हमें देखना है कि इनमें अनुपात किस और किसके अनुसार है ना, पहले तो हम सादा देख लें कि यहाँ 8 है और यहाँ 7 है, तो 8 बड़ा है तो 8 की तरफ तीर का निशान हो जाएगा, इधर 10 बड़ा है तो यहाँ 10 की तरफ हो जाएगा। अब ये भूल जाओ, अब आ जाओ उधर, यदि पुरुषों की संख्या अधिक है तो दिन ज्यादा लगेंगे कम लगेंगे किसी काम को करने में, व्यक्ति ज्यादा हो जाएंगे तो कम दिन लगेंगे ना, उल्टा काम उल्टा हो रहा है ना, कि अगर व्यक्ति बढ़ रहे हैं तो वो कम हो रहा है काम, मतलब दिन जो है वो कम हो रहा है, और अगर व्यक्ति कम हो गए तो दिन ज्यादा लगेगा, इसका मतलब उल्टा, तो जो तीर का निशान यहाँ उसका जस्ट उल्टा लगा दो, यहाँ ये नीचे की ओर हो जाएगा है ना। अब घंटे की बात आ जाओ, अगर हमने अधिक घंटे काम किए तो दिन ज्यादा लगेंगे काम कम दिन लगेंगे, अरे एक व्यक्ति 9 घंटे काम कर रहा है, एक व्यक्ति 18 दिन घंटे काम कर रहा है, तो 9 वाले के लिए ज्यादा दिन लगेंगे और 18 वाले के लिए कम दिन लगेंगे, तो इसके लिए भी उल्टा हो गया नहीं हो गया, तो इसमें तीर का निशान नीचे है तो इसके लिए तीर का निशान कहाँ लगाएंगे, ऊपर की, उल्टा होना चाहिए। अब यहाँ जो वैल्यू दी है वो वैल्यू लिख लो, कितनी वैल्यू दी है 20, अब 20 पहले वाले के लिए कहाँ है पूछ पर, तो उसका क्या नोक की वैल्यू ली जाएगी, और गुणा में दूसरे वाले के लिए नोक पर है ना, तो दूसरे वाले पूछ से वैल्यू ली जाएगी। अब जो शेष बचा वो लिख लो, पहले वाले में 7 लिख लो, 8 लिख लिया तो 7 बचा, दूसरे वाले में हमने 9 ले लिया तो 10 बचा, और तो कुछ नहीं बचा, 0 ने 0 काट दिया और 7 से तो कटेंगे नहीं तो भाग कर लेंगे गुणा करके, 2 8 16 और 16 ने 144 और बटे 7, या तो ऐसा ही दे रहे होंगे या सही में आंसर दे रहे होंगे, सही में दे रहे तो भाग कर लेंगे, 7 दूनी 14, 4 में भाग नहीं गया तो 0, ऊपर बचा 4 शेष और नीचे बचा 7, 7 से भाग कर रहे हैं ना, तो 20 सही 4 बटे 7 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन दिन, ये दिन ही लिख करके आ रहे हैं ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन राइट है, नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा 22वां, समझते हैं इसमें इन्होंने क्या कहा है, जरा कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं, यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगेंगे, आरंभ में कितने व्यक्ति थे, तो हम यहाँ व्यक्ति लिख दे रहे हैं और यहां हमने लिख दिया दिन, तो पहले कुछ व्यक्ति हैं हमें पता नहीं है ठीक है, क्वेश्चन मार्क कितने दिन में काम हो रहा था 90 ठीक है, बाद में 15 व्यक्ति अधिक हुए हैं अधिक सिर्फ ठीक है, जो शुरू में थे, अच्छा कम हुए हैं तो कम लग लो, कम हुए हैं तो कितने हैं 15, तो 10 दिन का काम बढ़ गया मतलब कितना हो गया 100। अब इसमें भाई समानुपात अनुपात कैसे चेक करेंगे है ना, वैसे में ऊपर वाले कम ही व्यक्ति होंगे, वो ज्यादा ही होंगे जब 15 कम हो गए तो है नहीं है, लेकिन अब यहाँ वैल्यू दोनों में ही नहीं है, या तो सिर्फ कैसे दिए कम वाले, तो हम यहाँ ट्रिक का यूज करेंगे, जैसे हमने किसमें की थी लाभ और हानि में या प्रतिशत वाले में, हम यहाँ अंतर देखेंगे इनका कितना आ रहा है 10, तो 10 दिन आ रहा नहीं आ रहा है, तो 10 दिन में
दस दिन क्यों बढ़े? क्योंकि 15 व्यक्ति कम हो गए, तो 10 दिन बराबर 15 व्यक्ति हो गए, नहीं हो गए? फिर 15 व्यक्तियों का काम कितने, 15 व्यक्तियों का काम कितने दिन का? 10 दिन का। तो एक दिन का काम कितना होगा फिर? तो ये एक दिन बराबर कितने व्यक्ति यूज होंगे फिर? तो एक दिन बराबर हो जाएगा 15/10, है ना, व्यक्ति। अब हमें चाहिए प्रारंभ में व्यक्ति, तो हम बताओ इसमें गुणा करें या इसमें करें? प्रारंभ में व्यक्ति कैसे हैं? अधिक हैं, तो अधिक वाले में ही गुणा करोगे तभी तो अधिक मिलेगा, छोटे वाले में कर दोगे तो बात गड़बड़ा जाएगी, है ना। या ये समझ लो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर व्यक्ति अधिक है और नीचे व्यक्ति कैसे है? कम, क्योंकि 15 कम हो गए, तो तीर का निशान कहाँ हो जाएगा? ऊपर को, और यहाँ कहाँ जाएगा तीर का निशान? नीचे को। तो अधिक कहाँ? नोक पर है, तो यहाँ अधिक नोक से ही तो लिया जाएगा। अधिक अधिक हम बोथरी यूज कर रहे हैं, वो वाला ट्रिक है, यहाँ खाली ये इस प्रकार से यूज कर रहा है यूनिट के हिसाब से। तो यहाँ जो वैल्यू होगी वो अधिक वाला ही तो अधिक दे पाएगा, ये कम वाला अधिक दे देगा? नहीं देगा ना। तो जब ये यहाँ पर हमें अधिक व्यक्ति यानी प्रारंभ के व्यक्ति चाहिए, तो इन 100 से क्या होगी फिर थोड़ा, ठीक है? तो हम यहाँ पर देखेंगे 100 दिन का काम, यानी दोनों और 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ 100 दिन हो जाएगा, उधर हो जाएगा 15/100 और भाग में कितना? 10। 0 ने 0 काट दिया, कितना आ गया? 150। शुरू में 150 व्यक्ति थे, आ गया समझ में? अगर 90 से कर दोगे तो और कम आ जाएगा, और शुरू में तो अधिक व्यक्ति है ना पहले से, या सिर्फ दो ही व्यक्ति आएंगे निकल गए, तो पहले के या बाद के? तो उनमें पहले वाले अधिक होंगे और बाद वाले 15 कम, ठीक है? तो 150 इसका ऑप्शन हो गया, कौन सा ऑप्शन हो गया भाई हमारा? इसका बी ऑप्शन, 150। आ गया समझ में? तो नोट करो फिर से, और अगर इसे दूसरे मेथड से करना चाहो तो कैसे करेंगे? तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्या दिए? वो वैल्यू दिए जो कम है या अधिक है, यहाँ पर बस कम वाली दिए, और यहाँ कहा ये पूछ पर है, तो इधर इस पूछ पर भी कम वाली, यानी इसका अंतर ही लो यहाँ पर घटा के जो भी बचे, क्योंकि तो यहाँ कम हुआ ना, यहाँ पूरी पूरी वैल्यू नहीं दी, ये बताया कि इतने लोग कम है, तो यहाँ देखो जब ये पूछ पर, तो यहाँ पर पूछ पर देखो कितने कितने दिन कम है, जब यहाँ जो अंतर है तो यहाँ पर भी अंतर लो, है ना। तो हमें ये क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा 10, मिलेगा नहीं मिलेगा 10। अब जो हमारा मेथड होता है वो यूज कर लो, हमें ये ऊपर वाला याद करना है, ये वाला हमें दिया है, तो ये वाला हम ऊपर लिखेंगे, जैसे भी मेथड अपनाते थे ना, कि जिधर याद करना है उसका जो बचा है वो वाला लिखो। अब गुणा में इसके साथ क्या लिखा जाएगा? तो ये कहाँ पर है, तो नोक वाला तो लिखा जाएगा इसके साथ, तो कितना आएगा? 100। और भाग में जो शेष बचा, इधर बचा गया ये 10, 90 नहीं लेना, क्योंकि 90 पूरी पूरी वैल्यू है, और यहाँ पूरी वैल्यू नहीं दी है, यहाँ कैसी वैल्यू दी है? अंतर, कितना कम है या अधिक है, ठीक है? तो यहाँ जाएगा 10। अब देखो इसे हल करके सेम यही बनेगा, है ना। अभी अगला क्वेश्चन इसी मेथड से करेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा भाई 23। अगले प्रश्न में बोला है कि किसी काम को कुछ श्रमिकों द्वारा 22 दिन में पूरा किया जा सकता है, किंतु 3 श्रमिकों के अनुपस्थित रहने के कारण उसे 24 दिन में पूरा किया गया, प्रारंभ में लगाए गए श्रमिकों की संख्या कितनी है? तो एक तरफ हम लिखेंगे श्रमिक और एक तरफ लिखेंगे दिन, इधर आ गए श्रमिक और इधर हमने लिख लिया दिन, ठीक है? तो कह रहे हैं प्रारंभ में, यही तो पूछा, प्रारंभ में लगाए गए श्रमिकों की संख्या, और उन्होंने शुरू में बोल दिया किसी काम को कुछ श्रमिकों द्वारा, तो कुछ है इसका मतलब क्वेश्चन मार्क लगा, कितने दिन में पूरा किया गया? 22 दिन। अब इन्होंने कहा 3 श्रमिक अनुपस्थित, यानी कम हो गए ना, 3 कम हो गए, तो ये कितने दिन में हुआ? 24। यहाँ अभी या तो पहला मेथड लगाओ, यहाँ दिन का अंतर कितना आ रहा है? 2, यानी वो 2 दिन का काम किनका होगा? इन 3 का होगा। या फिर अभी वाला मेथड लगाओ, कौन सा वाला? पहले ये देखो कि ऊपर श्रमिक ज्यादा होंगे या कम? ज्यादा ही होंगे, क्योंकि नीचे 3 कम हो गए, है ना, तो ऊपर की तरफ तीर का निशान लगेगा और यहाँ पर नीचे की ओर दिख ही रहा है ना। अब यहाँ देखा हमने पूछ पर क्या लिया गया? अंतर लिया गया यहाँ पर, पहले और बाद वालों का,
बाद में जो होंगे पहले में होंगे, उन्हें घटा दो पता चल जाए कितने कम थे। तो सेम यहाँ पर भी पूछ पर अंतर ही लेंगे, फिर हम 24 ना वो 22 नहीं लेंगे, 22 की जगह क्या लेंगे, 24 में से 2 जाएगा वो 22 जाएगा, कितना बचेगा 2। तो 24 की जगह हम क्या यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे, क्योंकि जब ये अंतर तो वो भी अंतर है ना। तो अब देखो भाई हमें यहाँ 3 दिया, हमने 3 लिखा, 3 किस पर था, कुछ पर, तो कुछ के साथ गुणा किसकी होती है, नोक वाले की, तो 24 आ गया। और भाग में अब शेष बचा, यहाँ तो क्वेश्चन मार्क का आंसर निकालना है, उधर कितना बचा शेष, 2, 2 से काट दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 12 हो गया, तो 12 तीन कितना आ गया 36, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह 36, मतलब शुरू में 36 श्रमिक थे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका भाई, सी ऑप्शन इज राइट। आया समझ में, नहीं आया कि यहाँ देखना है कि पूछ पूछ या नोक नोक पर जो वैल्यू दी है वो पहले रख लो, अंतर दिया है तो अंतर लिख लो और सेम दिया है तो सेम लिख लो। आगे समझ में, ठीक है तो नोट करोगे। अगला क्वेश्चन है हमारा भाई 24वां, इसे भी समझेंगे क्या कहा है इन्होंने इसमें। कह रहा है एक छावनी में, छावनी क्या होती है, फौजियों का जो डेरा पड़ता है ना, या फिर जहां पर वो रुकते हैं ना, एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन के लिए भोजन है। 7 दिन के बाद कुछ और व्यक्ति छावनी में आ गए, अब 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से वह भोजन 17 दिन तक पर्याप्त रहा, कितने व्यक्ति नए आए, हमें यही तो बताना है ना। आ जाओ, एक छावनी में शुरू में व्यक्ति दिए और फिर क्या दिया है, भोजन की मात्रा दी और फिर क्या दिया है, दिन दिए। तो हम पहले और लास्ट टर्म से पूछा क्या है, व्यक्ति, नए व्यक्ति पूछे ना, तो हम व्यक्ति बाद में लिखेंगे यहाँ पर। शुरू में अब क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पर भोजन लिख ले रहे, प्रति व्यक्ति जो भोजन है ना, और यहां लिख ले रहे हैं कितने दिन, ध्यान देना। अब ये कह रहे हैं कि कितने व्यक्ति है शुरू में, 3300 व्यक्ति भोजन, भोजन है भाई, ये तो व्यक्तियों की संख्या इधर 3300 व्यक्ति है ना, और प्रति व्यक्ति के लिए कितना भोजन दिया जा रहा है भाई, 850 ग्राम, ठीक है। अब व्यक्ति की दर से 32 दिन तक भोजन क्या होगा, हाँ जो भोजन है चलेगा, 32 दिन का भोजन है, लेकिन ध्यान देना कि 7 दिन के बाद और व्यक्ति आए, 7 दिन तक तो इन्होंने खाया है ना, 7 दिन के बाद में कंडीशन अप्लाई होगी, जो 7 दिन के बाद का भोजन बचेगा वो चलना जितने व्यक्ति 3300 के लिए चलना चाहिए, लेकिन 3300 के लिए नहीं चलेगा, और मात्रा कितनी देनी चाहिए, 850, अब तो 850 नहीं देंगे, तो जब भी दिनों की बात आए, इतने दिन के बाद इतने आ गए ये चले गए, तो वो घटा के तब लिखा करो। तो शुरू में कितने दिन चलता, 32 दिन, लेकिन 7 दिन उन्होंने खुद खा लिया तो कितने दिन बचे, 25 दिन, 25 दिन चलेगा अगर 3300 व्यक्तियों को इस प्रकार से दिया जाए शेष मात्रा। लेकिन कुछ व्यक्ति और आ गए तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई, तो ये कह रहे हैं कि ये क्या होगा, 825 ग्राम हमने भोजन दिया और ये कितने दिन चला फिर भाई, है 17 दिन चला, वह भोजन 17 दिन तक पर्याप्त, तो यहाँ कितना लिखना है, 17। आ गया समझ में, नहीं आया, आ गया नहीं है? अब क्वेश्चन मार्क वाला निकालेंगे तो पहले निशान लगा लें, यहाँ बड़ा कौन, ऊपर वाला तीर का निशान ऊपर को, यहाँ बड़ा कौन, यहाँ पर भी ऊपर वाला तीर का निशान। अब वहां देखेंगे तीर का निशान पहले वाले के लिए क्या होगा, भोजन की मात्रा ज्यादा तो ज्यादा व्यक्ति, भोजन की मात्रा कम दी जाए तो, अरे यहाँ उससे मतलब नहीं, प्रति व्यक्ति भोजन है, यह समझो, अगर हम प्रति व्यक्ति भोजन की मात्रा कम देंगे तो अधिक व्यक्तियों के लिए भोजन नहीं हो जाएगा, प्रति व्यक्तियों को अगर अधिक भोजन दे दिया जाए तो कम व्यक्तियों के लिए पहुंचेगा वो भोजन, या प्रति व्यक्ति खाली भोजन नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये भोजन का होता है प्रति व्यक्ति, या मैं लिख दे रहा हूं भोजन किस कैसे ही है, प्रति व्यक्ति, अब समझ में आ जाएगा। देखो प्रति व्यक्ति भोजन ज्यादा दिया जाएगा तो व्यक्तियों की संख्या कम हो जाएगी, है ना,
और यहाँ देख लेना व्यक्ति बटे में है तो उल्टा ही होगा है। तो यहाँ तीर के निशान ऊपर को, तो यहाँ कहा आया तीर के निशान नीचे। अब दिनों की बात आ जाओ, यहाँ इतना छुपा लो, अधिक दिन तो क्या होगा, व्यक्तियों की सापेक्ष कमी हो जाए आपकी, अधिक दिन तो कम व्यक्ति और कम दिन तो अधिक व्यक्ति, है ना। नहीं ऐसा नहीं मेरे, दिन की जब भी कभी व्यक्तियों के साथ बात आए तो अपोजिट बनाया करो, ठीक है। ये यहीं से समझ लो, अगर अधिक व्यक्ति होंगे तो जो भोजन होगा वो कम दिन चलेगा, कम दिन चलेगा नहीं चलेगा, और कम व्यक्ति होंगे तो भोजन अधिक दिन चलेगा, अपोजिट हो गया ना उल्टा। तो इसमें तीर का निशान ऊपर को, तो यहाँ तीर का निशान कहाँ आएगा, और यहाँ वैल्यू हमें कौन सी दी हुई है 3300, हमने 3300 नोट कर लिया। गुणा में कौन लिखेंगे वो पूछ है, पहले वाले के लिए तो पहले वाले की नोक आ जाएगी 850, गुणा में दूसरे वाले के लिए पूछ है ऊपर तो यहाँ आ जाएंगे नोक का 25, और भाग में जो शेष बचा है इधर बचा 825, उधर बचा 17, तो ये 17 तो काट दिया, 17 × 5 = 85 और 0 ऐसा ही है ना, ये 25 से कट जाएगा, कट जाएगा 25 से 25 एक मन दिखा दो, यहाँ हो जाएगा 25 × 75, कितना बचा 7 बचा फिर से, तो 25 × 75 आ गया समझ में। फिर 33 से काट लो, ये 33 × 33 और 00, तो गुणा करो कितना हो जाएगा भाई 5000। बाद में 5000 हो गए सैनिक या जो व्यक्ति है, लेकिन ये कह रहा है कि बाद में कितने हो गए ये मत बताओ हमें भाई, हमें सिर्फ ये बताओ कितने व्यक्ति नए आए। तो शुरू में 3300 थे, बाद में 5000 हो गए, तो नए व्यक्ति कितने हो जाएंगे भाई। हाँ तो ये हम लिख देंगे नए व्यक्ति बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ आ जाएगा 5000 − 3300, तो कितना बचा भाई 00 और यहाँ 7 फिर 1, 1700 नए आए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, आया समझ में, तो ठीक है नोट करें। अगला भाई हमारा क्वेश्चन है, देखें कौन सा है 25वां, कौन सा है 25, क्या कह रही है, कह रहे यदि किसी, यदि 6 समान मशीने, कितनी समान मशीने 6, यदि 6 समान मशीने एक निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतलें बनाती हो, तो इसी चाल से ऐसी ही 10 मशीने 4 मिनट में कितनी बोतल बनाएंगी। उसी चाल की बात हुई जो ऊपर है चाल, तो चाल को नहीं लेना है, ठीक है, सेम जब आता उसे नहीं देते हैं। तो हम पहले बात क्या पूछ रहे हैं, बोतलों की संख्या ही तो पूछ रहे हैं ये, तो यहाँ बोतलें लिख ले रहे हैं बात, क्यों भाई बोतलों की तो संख्या है बोतलें। अब हम यहाँ लिख लेते हैं क्या, फिर मशीन, कितनी मशीने, मशीनों की संख्या हो गई, और इधर लिख ले रहे हैं मिनट, खाली मिनट दिए घंटे उनके नहीं दिए ना, ठीक। अब हम देखते हैं, तो शुरू में बोला 6 मशीन है और एक निश्चित साल से 1 मिनट में कितनी बना रहे हैं 270, और दूसरी कंडीशन में बोला उसी चाल से 10 मशीने 10 हो गई, 4 मिनट में कितनी बोतलें बनाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देखो तीर का निशान हम किधर को लगाएंगे, नीचे की ओर लगाएंगे, यहाँ पर भी नीचे की ओर, क्योंकि यहाँ वैल्यू बड़ी है नीचे और यहाँ पर भी बड़ी है। अब इस चीज को भूल जाओ, मशीने ज्यादा तो बोतलें ज्यादा बनेंगी, तो इसके लिए नीचे कोई लगेगा। अब इस चीज को भूल जाओ, समय ज्यादा मिनट ज्यादा तो बोतलें भी ज्यादा, इसका मतलब इसका भी नीचे को। अब यहाँ जो दिया वो नोट कर लो, कितना दिया है 27, वो 270 दिया। अब इसके साथ गुणा में दोनों के लिए पूछा ना, तो दोनों की नोट वाली वैल्यू रख लो 10 × 4, भाग में जो शेष बचा या 6 बचा वहां 1 बचा, तो 6 से काट लो, यही काट लो डायरेक्टली, क्या करते हैं 6 से काट लो, 6 × 8 = 24 हो जाएगा, बचा 3 हो गया कितना 30, 6 × 5 = 30 आ गया ना, 6 × 24 कहाँ होता है 6 × 24,
और छह पंजे आ गया। अब गुणा करेंगे इसका जीरो ऐसे नोट कर लो, चार पंजे बीस का जीरो हासिल लगा दो, चार चौक सोलह और दो अठारह, 1800 बोतलें बनेंगी। फिर भाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए और सी दोनों एक ही जैसे भी है ना, तो नहीं एक इसका वो मिसप्रिंट हो गया, ए कर लेना ठीक है, ए ऑप्शन राइट, दोनों का 1818 कर दिया, 1880 1810 ऐसे करके चेंज कर दो क्या जा रहा है ना। एक नोट कर, अगला क्वेश्चन है भाई हमारा 26वां, पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं ये, कह रहे किसी छावनी में 200 व्यक्तियों के लिए भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी, कोई छावनी है किसकी सैनिकों की थी है, उसमें 200 व्यक्तियों के लिए जो भोजन सामग्री है वो 30 दिन के लिए थे। अब ये कह रहा है 10 दिन के बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से ये सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी, तो पहले दिया है व्यक्तियों की संख्या, तो इधर हम व्यक्तियों की संख्या लिख लेंगे, और फिर बाद में दिए हैं दिन, और पूछ भी दिन रहे हैं तो बाद में दिन लिखेंगे, तो यहां लिख दे रहे हैं व्यक्ति और यहां हम लिख दे रहे हैं दिन। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि 200 व्यक्तियों के लिए भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी, और 10 दिन के बाद, जो 10 दिन की बात आएगी तो हम क्या कर देते हैं 10 दिन घटा देंगे उसमें से, अब जो शेष बचेगा वो 20 दिन के लिए बचेगी सामग्री, तो 200 व्यक्तियों का 20 दिन की सामग्री, बाद वाली में मैंने बताया था ना घटा देना उतना, उतना तो उन्होंने उपभोग कर लिया खा लिया, उसके बाद की बात हो रही है, और 10 दिन के बाद 50 व्यक्ति और आ गए तो कितने हो गए 250 हो गए, 200 व्यक्तियों के लिए वो 20 दिन का मतलब चलता बाद वाला, लेकिन 50 व्यक्ति और बढ़ गए तो ये कह रहे हैं तो ये सामग्री जो है कितने दिन के लिए प्राप्त होगी, अब कितने दिन चलेगी, तो हम यहाँ पर लगा देंगे अब क्वेश्चन मार्क। तो हमने देखा ऊपर 200 नीचे 250, तो इसका मतलब नीचे वाला ज्यादा है, तीर का निशान इस टाइप से लगाएंगे, अब उधर देखें कि इसी तरह से बनेगा या दूसरा, तो जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे दिन कम होते रहेंगे भोजन के लिए, खाना वैसे हिसाब से ज्यादा खाया जाएगा एक दिन में, इसका मतलब ये विलोम अनुपात, और ये पहले ही बता दिया कि अगर व्यक्ति लोग अगर कहीं दिए हो दिन की बात आए तो विलोमानुपात ही होगा। तो यहाँ किसका मान दिया है इन्होंने नोक वाले का, तो नोक वाले के साथ किसका मान लिखते हैं पुच्छ वाले का, और भाग में वो लिख लेते हैं जो शेष बचा, तो यहाँ ही बचा है, उधर तो क्वेश्चन मार्क है उसे तो ज्ञात करना ही है, 250 जीरो ने जीरो काट दिया और 25 अट्ठे कितना होता है 200, 8 × 2 = 16 मतलब अब जो सामग्री है वो कितने दिन चलेगी 16 दिन चलेगी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अगला सन में ठीक नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा 27वां, देखिए क्या कहा है इन्होंने इसमें, कह रहे हैं 15 गाय 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खाती हैं, 18 गाय 30 दिन में कितने किलोग्राम अनाज खाएंगी, यानी अनाज पूछ रहे हैं कितना खाएंगी, तो ये किलोग्राम वाला बाद में लिख लो, जिसे ज्ञात करना है वो बाद में, फिर इधर गाय और गांव के साथ में फिर क्या दिन, तो पहले कितने गाय हैं भाई, पहले हैं 15 गाय और 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खा रही हैं, फिर बाद में 18 गाय हो गई, दिनों की संख्या कितनी हो गई भाई, दिनों की संख्या 30 हो गई, अब ये अनाज पूछ रहे हैं है ना, तो बस तीर का निशान लगा ले पहले, इसमें नीचे वाला बड़ा है तो नीचे वाले की तरफ, यहां पर भी नीचे वाला बड़ा है नीचे वाले की तरफ, अब उसके लिए देखेंगे हम कैसा मिलेगा, ये भूल जाओ, तो जब गायें अधिक होंगी अनाज भी अधिक खाएंगी वो है ना, इसका मतलब जब इसमें तीर का निशान नीचे है तो इसके में भी तीर का निशान नीचे, अब पहला वाला भूल जाओ, अधिक दिन चलेंगे अधिक अनाज खर्च होगा, कम दिन तो कम अनाज, यानी इसके लिए भी तीर का निशान कहाँ आएगा नीचे ही है, फिर जिधर क्वेश्चन मार्क दिया उधर जो वैल्यू दी है उसे नोट कर लो, तो 2700
गुणा में उसकी पूछ है पहले वाले के लिए तो इसकी नोक से वैल्यू ली जाएगी, गुणा में दूसरे वाले के लिए पूछ है तो दूसरे वाले की नोक वैल्यू देगी, फिर भाग में जो शेष बचा भाई, इधर बचा 15, इधर बचा 9, उधर क्वेश्चन मार्क का तो मान निकल ही रहा है, तो अब हल कर लेंगे। 15 दूनी 30, 9 दूनी 18, तो ये 2 दूनी 4, 4 पहले तो 0 ऐसे लिख दो, 4 सत्ते 28 हासिल लगा दो, और 4 दूनी 8 और 2 10, तो कितना खर्च होगा भाई, कितना है 10,800 किलोग्राम अनाज अब खाया जाएगा गायों के द्वारा, कितने दिन में 30 दिन। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा इसका भाई, बी ऑप्शन इज राइट। समझ में नहीं आया हो तो बताओ, आ गया है तो नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है भाई 29वां, पढ़ लो 29वां क्वेश्चन क्या है, क्या है यदि 7 औरतें, नहीं अभी तो ये 29 नहीं 28वां रह गया ना अभी, हाँ 28वां क्वेश्चन कर ले। 28वें क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि 5 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुने तो 1 मकड़ी 1 जाल कितने दिन में बुनेगी, तो दिन बाद में लगाएंगे, पहले मकड़ी फिर जाल और उसके बाद में दिन। तो पहले क्या बोला है इन्होंने, 5 मकड़ी और कितने 7 दिन में 7 जाल बुन रही है, तो 1 मकड़ी 1 जाल कितने दिन में बिनेगी, ये बनाएगी। तो यहां पर कौन बड़ा है, ऊपर वाला, तो इधर लगेगा ऊपर को निशान, यहां पर भी ऊपर वाला बड़ा। अब उधर वाले के लिए देखेंगे, बीच वाला भूल जाओ, जब मकड़ी ज्यादा होगी तो जाल बनाने में कम दिन लगेंगे, ज्यादा दिन कम लगेंगे, तो इसका मतलब इसमें तीर का निशान ऊपर है तो इसमें लगेगा नीचे, और दिन और बेगतिया जो होती है, बेगती उगती जो होती है उसे पॉजिटिव मानते हैं जब, है ना, काम की बात आए। अब आ जाओ जाल की बात, अगर ज्यादा जाल बनेंगे तो ज्यादा दिन लगेंगे कम दिन लगेंगे, ज्यादा ही दिन लगेंगे, और कम जाल बनाना तो कम दिन लगेंगे, इसका मतलब ये इसके है समानुपात, तो इसमें तीर का निशान ऊपर को तो हम इसमें लगाएंगे तीर का निशान ऊपर को भी। अब उधर जो वैल्यू दी है वो नोट कर लो, कितनी दी है 7, अब पहले वाले से जो वैल्यू गुणा में लेनी है तो पहले वाले के लिए क्या है कुछ, तो यहां से ली जाएगी नोक गुणा में, अब दूसरे वाले के लिए नोक है तो दूसरे वाले की पुछ वाली वैल्यू ले जाएगी, और भाग में जो शेष बचा तो इधर बचा 1, इधर बचा 7, उधर क्वेश्चन मार्क का मान कितनी ज्ञाती है, वन से वन कटेगा, वन से क्या है वन को गुणा में क्या लिखोगे, 7 से 7 कट गया तो कितना आ गया 5, 5 दिन लगेंगे, तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है भाई हमारा इसका, सी, सी ऑप्शन राइट हो गया, नोट कर सकते हो भाई। अगला क्वेश्चन करेंगे भाई 29वां क्वेश्चन देखें, यदि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करें, सब 7 साफ है, तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को साफ करने में कितने घंटे लेंगे, है ना, तो यहां घंटों की बात आ रही है, घंटे सबसे बाद में, ठीक है, घंटे सबसे बाद, बस 3 ही आ जाएगा ऊपर 7 7 नीचे, 3 3 अनुपात सबका सेम चलेगा ना, कर दे रहे हम फिर भी, इधर औरतें इधर, इधर कौन है, फिर झाड़ुएं, झाड़ू अरविंद केजरीवाल जी की, और दूसरा है मंजिल, हाँ अच्छा आदमियों को साफ करते हैं तो सही है, और फिर घंटे हैं भाई 7 7 7 ना शुरू में, 7 इसका 7 इसका 7 इसका 7 इसका, फिर बाद में कहा कि 3 औरतें 3 झाड़ू और 3 मंजिलें, तो 3 3 3 और यहां क्वेश्चन,
अब यहाँ देखो ऊपर वाला ज्यादा है, यहाँ पर भी ऊपर वाला ज्यादा है और यहाँ पर भी ऊपर वाला ज्यादा है। बीच के दोनों भूल जाओ, घंटों के लिए देखेंगे। जितनी ज्यादा औरतें होंगी उतने घंटे कम लगेंगे, ज्यादा लगेंगे घंटे कम लगेंगे ना, काम जल्दी हो जाएगा। तो यह हो जाएगा विलोमानुपात। नीचे ऐसे ही अभी से बोल जाओ, जितनी ज्यादा झाड़ू होंगी उतने ज्यादा घंटे लगेंगे, कम लगेंगे, कम लगेंगे ना, जितनी झाड़ू झाड़ा होंगी जल्दी जल्दी से साफ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी विलोमानुपात, जितनी ज्यादा मंजिलें होंगी उतने ज्यादा घंटे लगेंगे। इसका मतलब ये भी समान कैसा होगा, ये भी उपक्रमानुपात हो जाएगा। मंजिलें ज्यादा तो घंटे ज्यादा, यानी इसमें ऊपर को तो इसमें भी हम ऊपर की ओर निशान लगाएंगे। अब कर लो भाई इसे, वहां मान दिया है सात का, पहले वाले के लिए क्या पुच्छ है तो या नोक से, फिर उस दूसरे वाले के लिए पुच्छ है तो नोक से, और तीसरे वाले के लिए क्या है नोक है तो यहाँ किससे लिया जाएगा, पुच्छ से। अब भाग में जो शेष बचा, यहाँ तीन बचा भाई, यहाँ पर भी तीन बचा, और इसका तो तीन चला गया, सात है ना, है नहीं भाई, सही है। अब तो तीन वैसा ही नहीं है, सात ने सात काट दिया, तीन ने तीन काट दिया, सात सत्ते उनचास बटे तीन, तो कितना हो जाएगा, तीन एकम तीन, तीन छक अठारह, सोलह सही एक बटा तीन, इसका डी ऑप्शन हो गया भाई। ध्यान रखना, हल कर लेना अनुपात के साथ, क्योंकि यार कब हो जाता ना, जब ये चीज समानुपात में चलते, सब समानुपात, या एक चीज विलोमानुपात हो गई ना तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। घंटे ही आएंगे जब घंटों की बात हो रही है, था है ना, नोट कर लो।